दिस इज 25 फीट डिस्टेंस एंड 29 फीट जीरो इंच डिस्टेंस. ओके 725 स्क्वायर फीट हाउस प्लान डिज़ाइन आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसका एक साइड का लेंथ रहेगा 25, एक साइड का रहेगा 29 फीट. स्टार्ट करने से पहले हम इसको यहाँ पर वॉल हाईलाइट करेंगे, आउटसाइड वॉल और इनसाइड वॉल. 5 इंच वॉल, इसमें हमने 3 बेडरूम, 1 किचन, 1 कॉमन टॉयलेट यहाँ पर प्रोवाइड किया है. एक जो रूम है यहाँ पर आप गेस्ट या स्टडी रूम के पर्पस यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर एक रूम को ऑफ करके आपको ड्राइंग हॉल बनाना है तो आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम यहाँ पर एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. आपको अगर फ्रंट में होम बेडरूम नहीं चाहिए, हॉल रूम चाहिए, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब कुछ डिपेंड करेगा आपका क्राइटेरिया, आपका जो रिक्वायरमेंट उसके ऊपर. आपको अगर किसी साइड में विंडो चाहिए तो आप उस साइड में विंडो को रख के बिल्डिंग प्लान का डिज़ाइन बना सकते हैं. जिस साइड पर आपका विंडो नहीं चाहिए उसी साइड पर आप विंडो बंद कर सकते हैं. इसी ऑप्शन के लिए ऑप्शन पर हमने जो प्लान है यहाँ पर बनाया है. आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप, अगर आपका रिक्वायरमेंट के थ्रू वाइज अगर बिल्डिंग प्लान में कुछ गलत है तो आप इसको चेंज करके यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, हमने जो यहाँ पर बिल्डिंग प्लान बनाया है सिर्फ एक हमारा जो नॉलेज और आइडिया है यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है. आप इसको आपको किस तरह से यूज़ करना है आप खुद इसको चेंज करके कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कुछ गलत है बिल्डिंग प्लान के अंदर. ठीक है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर. और एक बात, इसमें जो 3 बेडरूम हमने रखा है स्टैंडर्ड साइज का 3 बेडरूम रखा है. आपको अगर इससे भी ज़्यादा लंबा या चौड़ा में ज़्यादा चाहिए बिल्डिंग प्लान का डिज़ाइन, रूम का डिज़ाइन, तो आप इसको मॉडिफिकेशन करके लंबा या ज़्यादा भी या एक्सटेंड करके इसको आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो डोर देखिए, हमने यहाँ पर ऐसे डोर प्रोवाइड किया है. ठीक है, यहाँ पर ऐसे डोर प्रोवाइड किया है तो ऐसे डोर आएगा इधर इधर, डबल डोर आर्च टाइप का, ऐसे डबल डोर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पर जो डोर आएगा क्लोजेबल गेट या आपको डबल डोर, यहाँ पर आप वुडन डोर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर आप गेट प्रोवाइड कर दीजिए. ओके, यहाँ पर डोर प्रोवाइड कर दीजिए, यहाँ पर डोर D1 डोर, डोर यहाँ पर डोर. स्टेयर हम करेंगे, आप ऐसे ही करना पड़ा मुझे क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमने किचन को फ्रंट रखा है. ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर करना है डिटेलिंग. जो स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर बैल्कनी, तो बैल्कनी में हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे यहाँ पर. देखिए ऐसे हाईलाइट करेंगे. ठीक है, बैल्कनी में. तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर गेट, यहाँ पर ओपन पोर्च, तो आप छत को एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, कितना, यहाँ पर 3 फीट आप एक्सटेंड कर सकते हैं बाहर में. ओके, यहाँ पर जो है 3 फीट 8, आपके पास अगर जगह रहेगा तो आप कर सकते, नहीं तो आप इसको डिलीट कर सकते. ठीक है, हमारे पर एक ऑप्शन रखा है 8 फीट 4 इंच. देखिए डिस्टेंस वाइज ऐसे ही रहेगा. नेक्स्ट, बेडरूम, बेडरूम या स्टडी रूम आपको जिस चीज़ चाहिए इसके अंदर, आप उसको यहाँ पर
प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर रहेगा 11 फीट 4 इंच 10 फीट। ओके, यहाँ पर रहेगा 4 फीट 6 इंच वाइड पैसेज। ओके, यहाँ पर रहेगा किचन, इसका वाइड रहेगा 7 फीट 6 इंच 6 फीट 0 इंच। ओके, नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऐसे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डाइनिंग प्लस ड्राइंग ऑप्शन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आप देखिए एक बार, कंफर्टेबल है तो आप यहाँ पर ड्राइंग टेबल, ड्राइंग के लिए सोफ़ा सेट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर से आप आएगा तो 3 फीट 5 फीट 10 इंच 10 फीट 4 इंच टोटल डिस्टेंस। ओके, और इधर का जो डिस्टेंस 3 फीट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इसका डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है आपको यहाँ पर तो मिल गया, इसका डिस्टेंस भी मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो है 12 प्लस लैट्रिन डिस्टेंस 6 फीट 6 इंच 6 फीट 4 इंच। ओके, इसके बाद बेडरूम डिस्टेंस 11 फीट 4 इंच 11 फीट 0 इंच। तो नंबर 2 बेडरूम, नंबर 3 ओके बेडरूम, तो यहाँ पर डिस्टेंस 12 फीट 5 इंच एंड इधर डिस्टेंस 11 फीट 0 इंच। ओके, तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे इसका कॉलम लेआउट या कॉलम कहाँ पर सेट करना है। जस्ट हमने एक राउंड शेप देकर यहाँ पर हम कॉलम का पोजीशन आपके साथ शेयर करेंगे। आपको अगर इससे भी कम कॉलम में आप घर बना सकते तो आप बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर लगता है इसमें कॉलम ज़्यादा हो गए तो आप यहाँ पर इससे भी कम कॉलम देकर घर बना सकते। आपके पास ज़्यादा नॉलेज है तो आप इसको यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी कुछ कमेंट आता है जहाँ पर लिखा है कॉलम ज़्यादा हो गया, ठीक है, कम कॉलम से आप घर बनाए आपका घर बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, कॉलम एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, उसमें जितना चाहिए उतना ही प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। इसमें आपको बिल्डिंग अच्छा होगा, एक कॉलम ज़्यादा देने से आपको बिल्डिंग और भी अच्छा होगा, ठीक है, कम देने से अच्छा नहीं होता है। कॉलम का साइज है यहाँ पर आउटसाइड वॉल है यहाँ पर 5 इंच वॉल, यहाँ पर कॉलम, ओके यहाँ पर कॉलम देखिए यहाँ पर 5 इंच वॉल, बाहर का वॉल, अंदर का वॉल 5 इंच वॉल, इस साइड में बाहर का वॉल 5 इंच वॉल, तो सभी वॉल है 5 इंच का, ठीक है। तो इस बिल्डिंग का कॉस्ट कितना आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्डिंग बनाने में खर्चा कितना है आपको, ठीक है। बिल्डिंग कॉस्ट जो आपका आएगा यहाँ पर 12 टू 13 लाख रुपीज़ नॉर्मल एक बिल्डिंग बनाने के लिए। ओके, उसके बाद देखिए इसका जो यहाँ पर विंडो हम जस्ट साइज आपके साथ शेयर करेंगे, 4 फीट यहाँ पर विंडो, और यहाँ पर जो मेन गेट है यहाँ पर 4 फीट। ओके, यहाँ पर जो डोर है यहाँ पर 3 फीट, यहाँ पर जो डोर है 3 फीट। ओके, और यहाँ पर जो विंडो आपको मिलेगा 4 फीट। ओके, और इधर भी आपको 4 फीट, और इसका जो वेंटिलेटर है यहाँ पर 2 फीट बाई 2 फीट हाइट एंड लेंथ, यहाँ पर वेंटिलेटर मिलेगा, ठीक है। तो
तो ऐसे करके हम यहाँ पर बिल्डिंग प्लान बनाया है, आप देखिए एक बार बिल्डिंग प्लान को। आपको बिल्डिंग प्लान अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना। इसमें कुछ चेंज है, देखिए पहले यहाँ पर जो ओपन स्पेस है, यहाँ पर रूप आपको इधर जाएगा पैसेज, इधर से जाएगा बाथ एंड लैट्रिन, इधर से जाएगा किचन, यहाँ पर स्टेयर एरिया, यहाँ पर एक बेडरूम, दो बेडरूम, थ्री बेडरूम, सब वॉल यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।